हे गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त नवल, एंड आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है बिकॉज इस स्टूडियो के ओनर हिमांशु भाई से मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं और मेरे कुछ दर्शक भी जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं हिमांशु भाई कि ये सेरेमिक कोटिंग क्या होती है और इसके क्या फ़ायदे हैं। बेसिकली सेरेमिक कोटिंग हार्ड कोटिंग होती है, इसके फ़ायदे ये होते हैं, ये आपको काफ़ी बाइक के कलर को प्रोटेक्ट करती है, शाइनिंग प्रॉपर रहती है, और स्वेल्स मार्क्स वगैरह जो माइनस स्क्रैचेज आते हैं उससे आपकी गाड़ी को एंटी रस्ट होती है और एंटी डस्ट होती है, उससे प्रूफ रखती है। और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो नियर अबाउट 2 to 3 ईयर होती है। मेन बेनिफिट्स यही है कि कलर प्रोटेक्ट करती है। ओके, तो आपके कहने के हिसाब से ये कलर को प्रोटेक्ट करती है, तो ये धूप में भी थोड़ी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती होगी शायद। प्रोवाइड करती है, रंग गाड़ी का रंग फेड नहीं होता जल्दी से। ओके, एंटी रस्ट होती है, एंटी डस्ट होती है, कलर प्रोटेक्शन सबसे मेन पार्ट है। माइनर जो स्वेल्स मार्क्स आते हैं, जो हेयर मार्क्स आते हैं जो माइक्रोफाइबर लगाने से या डस्ट बैठी होती है गाड़ी पर, तो उस मार्क्स से भी इसको केयर करती है। ओके, तो हिमांशु जी ने हमें सेरेमिक कोटिंग के बारे में बताया। अब हिमांशु जी, मेरा आपसे अगला सवाल है वो ये है कि क्या सेरेमिक कोटिंग होने के बाद मैं अपनी बाइक को बाहर वॉश के लिए दे सकता हूँ? हाँ, बाइक को वॉश करना सही रहता है, पर उसके साथ कुछ हमारे नॉर्म्स होते हैं कि जैसे बाइक जो है बाइक शैम्पू से ही वॉश की जाए। ओके, कास्टिक वगैरह के जो आते हैं, जो डिटर्जेंट वगैरह आते हैं, वो हार्मफुल होते हैं इसके लिए। ओके, वो वैसे भी उससे नहीं कराना चाहिए क्योंकि उसमें डिटर्जेंट नहीं होता वो कलर के लिए, क्योंकि इसमें कलर में अपना वैक्स होता है। ओके, आप अगर बार बार डिटर्जेंट लगाएंगे तो उससे उसका वैक्स और उसके जो शाइनिंग में फ़र्क आता है। ओके, तो यहाँ पर हिमांशु जी ने हमें काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेरेमिक प्रोसेस नाउ। सो दोस्तों, द फर्स्ट स्टेप इज ऑफ वॉशिंग द बाइक एंड वी आर गोइंग टू इस बाइक पर जो अभी 7 स्टेप्स होने वाले हैं उसमें से फर्स्ट स्टेप जो था वॉशिंग का, वो कंप्लीट हो चुका है। और अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कंपाउंडिंग। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कंपाउंडिंग प्रोसेस नाउ। के अभी सेरेमिक कोटिंग प्रोसेस के केवल 2 ही स्टेप हुए हैं। फर्स्ट वन वॉज वॉशिंग एंड द सेकेंड वन वॉज कंपाउंडिंग। तो इन 2 स्टेप में ही मेरी जो बाइक है ये शोरूम कंडीशन से कहीं ज़्यादा चमकने लगी है। अभी तो 5 लेयर्स और यू कैन से 5 स्टेप्स बचे हुए हैं, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर दोज 5 स्टेप्स। तो दोस्तों, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 3rd स्टेप जो है मिरर ग्लेज। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। 3 स्टेप कंप्लीट होने के बाद ये बाइक कुछ इस तरीके से अभी शाइन कर रही है, एंड अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 4th प्रोसेस जो है येलो वैक्स, एंड वी आर गोइंग टू यूज़ दिस प्रोडक्ट फॉर दैट। दोस्तों, यहाँ पर हमारे 4 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, एंड 4th स्टेप कंप्लीट होने के बाद ये देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके का रिजल्ट हमें मिलता है, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 5th स्टेप राइट नाउ विच इज़ सिंथेटिक सीलेंट। अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का रिजल्ट हमें 5th स्टेप कंप्लीट होने के बाद मिलता है, एंड आई एम नॉट श्योर ये कैमरा इस बाइक की चमक को सही से जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं, बट लेट मी टेल यू, इफ़ यू सी इट फ्रॉम माय आईज
द बाइक इज शाइनिंग लाइक ए स्टार. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सिक्स प्रोसेस विच इज आईपी एंड दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू अप्लाई फॉर आईपी. तो दोस्तों यहाँ पर हमारे बाइक के सेरेमिक कोटिंग के जो प्रोसेस है उसके सिक्स स्टेप्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं. कुछ इस तरीके की शाइन अभी ये बाइक कर रही है एंड दिस इज़ द मेन मास्टर ब्लास्टर थिंग विच इज़ अवेलेबल इन माय हैंड. दिस इज़ द सेरेमिक कोट एंड वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस कोट ऑन दिस बाइक नाउ एंड देखते हैं कि फाइनली इसे अप्लाई करने के बाद किस तरीके के रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं.